क्या होते हैं कि पोटेंशियल सरफेस, हिंदी में इसको बोलते हैं सम विभव पृष्ठ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सम विभव पृष्ठ क्या होता है? तो सम मतलब एक जैसा, विभव मतलब विभव, और पृष्ठ मतलब सरफेस। यानी कोई ऐसी सरफेस अगर हम लोग बना ले जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, तो ऐसी सरफेस को हम लोग बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी सम विभव पृष्ठ। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हम लोग ने यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रख दिया, इसको सेंटर मान करके हम चाहे जितने स्फीयर बना रहे, जैसे एक ये स्फीयर बना, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये स्फीयर बना, तो ये जितने भी आप स्फीयर बनाओगे, ये जितने भी गोले आप बना रहे हो, ये गोले का हर पॉइंट अगर आप, तो हर पॉइंट इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होएगा, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे इस पे निकालो, चाहे यहां निकालो, कहीं पे भी आप निकालो पोटेंशियल सेम आए, तो ये जो शियर है ये बन जाएगा इसकी पोटेंशियल। यानी इस चार्ज को सेंटर मान करके आप जितने भी जो है शियर ड्रॉ करोगे वो सब क्या होंगे, इसकी पोटेंशियल सरफेस होगी। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने बोले तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, इसी तरीके ड्रॉ करोगे, आप देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसके एक पॉइंट ए से बी पे कोई चार्ज क्यू ले जाते हैं, अब पूछते हैं कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आप वर्क क्या लिखते, तो ए से बी ले गए तो वी बी माइनस वी ए इंटू चार्ज यानी क्यू ना, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VB और VA तो बराबर हो गए, बराबर चीजों को सेपरेट करोगे तो जीरो आएगा, जीरो का मल्टीप्लाई क्यू डॉट पे करोगे तो जीरो। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके परपेंडिकुलर गुजरेगी। दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसके किसी भी पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी वर्क डन हमको नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सर्कली हो, वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, वो प्लेन भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे हम लोग ने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी, वैसे अगर हम लोग डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो कैसे करें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए दो ही केसेस होते हैं, एक केस हम लोग लेते थे अलोंग द एक्सिस, ये चार्ज हो गया माइनस क्यू, ये चार्ज हो गया प्लस क्यू, और अलोंग द एक्सिस हमने उसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया क्यू, वहां पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। ये तो हो गया अलोंग द एक्सिस, एक होता था इक्वेटोरियल लाइन पे, ये पॉइंट पी लिया आर डिस्टेंस पे, आपको याद होगा ये वाली डिस्टेंस ही होती थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस ही वही आती थी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे देखते हैं, यानी ये वाली पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, तो क्या करेंगे, रूल वही है, पहले हम लोग वी निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, फॉर्मूला लगेगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, तो अब चार्ज माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रखेंगे, अपॉन में डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ये माइनस आगे ले आते, अब निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से भी यही आएगा, बस वहां हो जाएगा प्लस का क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर हम वहां पे नेट पोटेंशियल की बात करें तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे, अब देख ही सकते हो आप जैसे आप जोड़ोगे ये नहीं पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपने डायपोल लिया है और उसके इक्विटोरियल पोजीशन में कोई पॉइंट लिया, वहां पे आपको कोई भी पोटेंशियल जो है डेवलप होता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अलोंग द एक्सिस की बात करते हैं, तो अलोंग द एक्सिस में भी आपको ऐसे ही करना होगा, पहले हम लोग निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से, फिर निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, फिर दोनों को अलजेब्रिक सम निकालेंगे, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले निकालते हैं प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से निकलेगा
तो आएगा वन अपॉन, माने नहीं एयर में रखा हुआ था, की वैल्यू भी वन ले लेंगे, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब प्लस क्यू की वजह से निकाल लें तो क्यू अपॉन डिस्टेंस, तो क्यू की डिस्टेंस ये हमको ये कितनी हो जाएगी आर में, हमको क्या करना पड़ेगा ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपको एक चीज समझ आएगी। अब निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू की वजह से आ जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस का क्यू, अब माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर ये है और एल ये, यानी आर प्लस, अब क्या करेंगे टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों को हम लोग एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, चलिए ऐड करते हैं, जब आप दोनों को ऐड करोगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे आप q भी कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 1 अपॉन r माइनस l, प्लस करेंगे और प्लस माइनस मिलेगा, चलिए ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन भाई q चला गया 4 का सर तो माइनस का 1 अपॉन r प्लस l नीचे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी क्या करना होगा हम लोग को, इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर के हम लोग बिल्कुल जैसे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में फाइंड आउट किया था वैसे हम लोग यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि जो आर है वो एल से बड़ा है, तो जो आर स्क्वायर होगा वो एल स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम लोग को मिल जाएगा। होप स्टूडेंट्स आप इस आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हो, थैंक यू वेरी मच।